लैक्मे फैशन वीक के चौथे दिन बॉलीवुड दीवाज ने अपनी देसी लुक का जलवा दिखाया। सबसे पहले बात करते हैं सारा अली खान की। डिजाइनर वरुण चाकिलम के लिए शो स्टॉपर बनी सारा ने सिल्वर कलर का लहंगा पहना जिस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। वहीं साथ में मैचिंग ब्रालेट ब्लाउज को पेयर किया, इयररिंग्स और मेकअप के साथ लुक को पूरा किया। लेकिन एक चीज ने सबका ध्यान खींचा, वो था जलने का निशान। सारा ने अपने पेट पर पड़े जलने के निशान को छिपाने की बजाय उसे फ्लॉन्ट किया, जो यूजर्स को काफी पसंद आया। मलाइका अरोड़ा ने डिजाइनर अनुश्री रेड्डी के लिए रैंप वॉक किया। ग्रे कलर के फ्लोरल लहंगे में मलाइका काफी सुंदर लगी। आउटफिट पर बने पीले फ्लावर लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। साथ में मैचिंग ब्लाउज को पेयर किया और दुपट्टे को एक साइड पर कैरी किया। टू लेयर कुंदन नेकलेस और स्टड इयररिंग्स के साथ लुक को पूरा किया। श्रुति हसन ने साक्षी भाटी के लिए रैंप वॉक किया। लुक की बात करें तो श्रुति ने फ्लोरल लहंगा चोली वेयर किया, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। हूप इयररिंग्स और मिनिमल मेकअप के साथ लुक को स्टाइल किया। तो वहीं फातिमा सना शेख भी रैंप पर उतरी। वो डिजाइनर अरविंद अम्पूला के लिए शो स्टॉपर बनी। फातिमा ने पर्पल कलर का लहंगा पहना जिस पर खूबसूरत फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो देखने में बेहद सुंदर लग रही थी। साथ में मैचिंग ब्लाउज को पेयर किया था, वहीं दुपट्टे को पीछे से स्टाइल किया था। आपको किसका लहंगा स्टाइल पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।